2016 Lifetime Achievement Award. Mummy is very sorry that she couldn't be present today, but she asked me to tell all, especially all the young people. You know, she started off as a person of middle class family with no theatre background and no godfathers in any industry. And by she herself feels that she was never a very marvelous or talented person, which is not true, but anyway, that's the way she is. And she says that to tell you all that a vision and a passion is what you need in the theatre. And if you have that, you can achieve miracles. So I hope that out of the audience here, all of you will become remarkable people and get a Lifetime Achievement Awards in your own way. Thank you. And now she has moved from our homeland to the American homeland. Please welcome theatre actress, film actress, and recently part of the TV series homeland, the Canadian fabulous to be here giving an award away. The nominees for the Outstanding Male Actor Male category are Yogendra Vikram Singh as Peter Curtin in Normal, Vinod Sharma as Dr. Justice Werner in Normal, Akshay Kapoor as Khatri in Tambola, and Shibhendu Roy as Neetu in And the Thespo goes to Yogendra Vikram. Thanks a lot. मेरा पहला और आखिरी Thespo है मेरे ख्याल से. Opponent's choice. बहुत मतलब मुझे पता चल गया था मनीष गांधी बहुत मेरे senior format की है actually. He called me जब मैं मुंबई आया था शिफ्ट हुआ था एक डेढ़ साल पहले तो मैंने उन्होंने मैंने मुझसे बोला कि चार महीने डेट ब्लॉक कर दो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं सर मैं चार महीने डेट कैसे ब्लॉक करूँ तो फिर कुछ पैसे कमाए मैंने पैसे आ गए तो एक अच्छा ग्रुप मिला उनके मतलब ग्रुप फॉर्म किया हमने और बनाया और कुछ अच्छा प्ले बना करते हुए मज़ा आ रहा था बट इतना मज़ा आएगा थैंक्स अ लॉट गाइस Thespo थैंक्स अ लॉट मतलब आपको मेरी अमृत स्वच्छ नहीं है तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे रहे बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहा बैक स्टेज पे सपोर्ट के लिए बहुत ही प्यार मिला है और आप सभी बड़े लोगों का बहुत प्यार मिला है डॉली मैम उमुद सर और थैंक्स अ लॉट आप सिर्फ ये अवार्ड इन माय लाइक यू नो थैंक्स अ लॉट अब मेरी टीम नाव ग्रुप के लिए थैंक्स अ लॉट और मेरी कोच मनोज शर्मा मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी शुरुआत थिएटर में Thespo से हुई थी जब मैं बॉम्बे में ऐसा कुछ स्पेस और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी जहाँ पे क्योंकि मेरा प्लेज का और ऐसा स्टेज का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था तो मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहाँ पर एक एमेच्योर थिएटर एक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिले और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी कि मुझे उस वक्त ये एक अपॉर्चुनिटी मिली और एक बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिली थी और मुझे बड़ा मज़ा आया था कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था और वो मेरा लाइफ का पहला अवार्ड था वो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है और मेरी बेड साइड पे पड़ा रहता था तो मेरे लिए Thespo बहुत स्पेशल आई थिंक मेरी शुरुआत एक्चुअली एड फिल्म से हुई थी म्यूज़िक वीडियो से हुई थी और मैंने थिएटर की तरफ रुख इसलिए लिया क्योंकि एक आई थिंक एक एनरिचमेंट होती है एक 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 तरह की एक सर्च होती है आप चाहते हैं कि यू नो यू वांट टू लर्न मोर एंड थिएटर और स्टेज एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आपको नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग आई थिंक अबाउट लाइफ यू गेट टू लर्न अलॉट आपको बहुत यू नो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तरह तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं यू लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज एवरीथिंग आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन लाइफ लेसंस देन इन थिएटर हाल ही में तीन दिन पहले एक अवार्ड जीता है जी जी बॉक्स ने जी इसके बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है लंच बॉक्स रिलीज हुए ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो गया है पिछले सितंबर रिलीज हुई थी इंडिया में और कैन फिल्म फेस्टिवल में ओपन हुई थी मई में तो अभी तक उसके लिए वर्ल्ड वाइड प्यार है और इतना
कुछ ना कुछ खबर आती रहती है अबाउट कहीं और नए जगह कंट्री नए कंट्री में रिलीज़ हुई है. मेरे ख्याल से कुछ 75 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है और जहाँ तक कि मुझे बताया गया है ये इंडियन फिल्म सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है अभी तक वर्ल्ड वाइड. तो बहुत अच्छा लगता है. और अभी रिसेंटली एक टोरंटो में एक अनाउंसमेंट आई है वहाँ से. आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो किस प्लेटफॉर्म पे है बट जी बट आई बिलीव इट्स बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट फिल्म देयर. सो इट्स जस्ट रियली नाइस. इट फील्स वेरी गुड. न्यू ईयर आने वाला है, कुछ रिजोल्यूशन किया है आपने और कौन से फिल्मों में दिखने वाले हो आप 2015 में? जी मैंने एयरलिफ्ट नाम की एक फिल्म साइन करी है जिसमें अक्षय और मैं हैं. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. अबू धाबी में शूट है, बहुत गर्मी में शूट है, आई डोंट नो कैसे होगी बट स्टोरी बहुत अच्छी है. बहुत ही एक्साइटिंग उसका प्रेमिस है, रियल स्टोरी है. आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क ऑन दैट फिल्म. अदर देन दैट अभी साइन कुछ नहीं किया है. एक और बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो मैं अगले हफ्ते तक आई थिंक आई शुड बी एबल टू फाइनलाइज एंड उसकी अनाउंसमेंट तब आएगी. रेजोल्यूशन में मैं बड़ा दुख होता है. मैंने फिलहाल कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया और चाहती हूँ कि ऐसे ही रहे. पर हाँ अगले साल थोड़ा ट्रैवल और करना चाहूँगी, कुछ और इंटरेस्टिंग फिल्म्स होंगी तो बहुत मज़ा आएगा. थेस्पो के लिए अगर कुछ करना चाहें जो यंगस्टर्स को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं और जी तो थिएटर से जुड़ी रही हैं काफ़ी लंबे समय जी. आई थिंक एक फोरम पे एक यंग और एक जो एक अनटैप्ड एनर्जी और एक टैलेंट होता है वहाँ पे इससे बेटर प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से तो बॉम्बे में या शायद इंडिया में नहीं है इस वक्त. आपको इंस्टेंट एक टेस्ट मिलता है ऑफ बीइंग एबल टू बी इन अ प्ले एंड एट दैट सेम टी मिलती है. मैं जितना भी मैंने थिएटर शुरू किया है वो थेस्पो के ही बेसिस पे, मेरी फाउंडेशन थेस्पो रही है. तो मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल है और ये मुझे पता है क्योंकि मैंने साल दर साल इनके प्लेस देखे. वेदर इट्स पुणे से जो प्लेस आते हैं मुझे पर्टिकुलरली वहाँ उनके प्लेस से बहुत बहुत लगाव है. एंड आई नो कि एक क्वालिटी है, एक एंथुजियाज्म है और एक बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है. तो यूथ के लिए थेस्पो से बेटर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है.